नमस्कार, टुडे समाचार में अपने समरूटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। ब्रिस्बेन में संपन्न राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में गठबंधन के उम्मीदवार विजय भेल मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश में गठबंधन के उम्मीदवार विजय भेल। ब्रिस्बेन संपन्न राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन अंतर्गत संपन्न मतगणना अनुसार गठबंधन के उम्मीदवार आनंद ढुंगाना आ जसपा के पूजा चौधरी विजय भेल। ढुंगाना 7370 आ चौधरी 7923 मत सहित विजय भेल। हेमाले के उम्मीदवार 2484 मत, अन्य स्थल जनमत उम्मीदवार एकटा मत दिलक। बढ़ित गेल ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित भ रहल समय मध्य प्रदेश सरकार गरीब विपन्न समय कम्बल वितरण कार्य शुरू कलक। मध्य प्रदेश सरकार के गृह संचार तथा कानून मंत्रालय प्रदेश के 8 जिला के जिला प्रशासन कार्यालय अंतर्गत रहल जिला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत कम्बल वितरण कार्य शुरू कने। प्रदेश सरकार में प्रवक्ता तथा गृह संचार तथा कानून मंत्री मोहम्मद शमीम बुध दिन धनसा के मिथिला नगर पालिका के
जमुनी निवास बेंगाडार मन्हरको सदा टोल वडहरी लालबज लगायतकै स्थानीय गरिब व्यापन समेत कम्बल प्रदान गरेर कम्बल वितरण कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने जानकारी दिलिन्। जारी आर्मी उपसक विपद व्यवस्थापन लगायतकै मध्यनजर गरेर पहिलो चरणमा प्रदेश सरकार 20,000 कम्बल वितरण गर्न लागन मन्त्री समूह जानकारी दिलिन्। प्रदेश जिल्ला समेत धुइन आ ठण्ड हावा अत्यधिक बढ्लासँग गरिब विपन्न असहाय सबकै लेल कम्बल वितरण सुरु कयल गेल कहब छल। प्रदेशकै सबटा जिल्लाकै विपद व्यवस्थापन समितिकै 2,000 थानकै दरसँग कम्बल पठाएल गेल। जानकारी दैत मन्त्री समीम आवश्यकता अनुसार गरिब विपन्न समेत कम्बल वितरण गर इकाइ सबकै निर्देशन समेत देने छैन। कम्बल नेपाली सेनासँग जी2जी प्रक्रिया मार्फत खरिद कयल गेल हिङ्कर कहब रहनेछ। गत पुष्य बैसल प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिकै बैसासँग गरिब विपन्न तथा असहायकै कम्बल वितरण गर निर्णय कयल गेल छन्। गत भादो 12 गते फर्साकै झिरा भवानी गाउँपालिका 4 पुलाते सडक खण्डकै इमिर्ती नदीमै माथ आ शरीर अलग भेल अवस्थामा भेटल महिलाकै लाश पहिचान खोजल अछि। 12कै फेटा गाउँपालिका 1 त्रिवेणी टोलकै हरेन्द्र मोहतोकै 15 वर्षक बेटी कोशिला कुमारी मोहतोकै ई लाश रहल प्रहरीद्वारा जानकारी देल गेल अछि। गामक एकगोटे दलित युवकसँग प्रेममे रहल जानकारी फेने बाद हिनकर बाबु योजनाबद्ध रूपमे अपनी बेटी कोसिनाके हत्या केने रहस्य खोजन अछि। रहस्य खोजन बाद बाबु हरेन्द्रके 12 प्रहरी नियन्त्रणमे लऽ कऽ फर्सा प्रहरीके बुझेने त बाबु हरेन्द्र सेहो बेटीके हत्या केने स्वीकारने प्रहरीमे बयान देलक अछि। मृतक बेटी अपने रहन बाबु हरेन्द्र सुवाखत केने 12कै प्रहरी प्रवक्ता DSP दधिराम न्यूफाने जानकारी देने छैन। हरेन्द्र बेटी हरेलाक बादो कतौ निवेदन नै देने छलैन। अपने प्रहरी संयन्त्र सूचना पेने बाद नियन्त्रण मिलक पूछताछ केने अनुसन्धान करैत गेलमे हिनकर संलग्नता खुजल अछि। घटना पर्साके रहलासँ वहसँ जिम्मा लगाएल गेल DSP न्यूपाने जानकारी देलनि। एहिना स्थानीयके अनुसार एक गोटे दलित युवक सन बेटी हिनकर प्रेममे रहल हिनका जानकारी भेटर बाद हरेन्द्र बेर बेर अपना बेटीके सम्बन्ध छोड़ लेल दबाव देने छलनि। नै मान्य बाद हिनका योजनाबद्ध रूपमे हत्या कयल गेल। प्रहरीके प्रारम्भिक अनुसन्धानसँ सेहो खोजल अछि। मृतक बचिया स्थानीय गंगा शाह माध्यमिक विद्यालयके कक्षा 8 मे पढ़ैत छलनि तऽ फर्सा प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाह घटना विषयमे थप अनुसन्धान जारी रहल जिक्र कयलनि। किछु दिन पश्चात ई घटना विस्तृत विवरणसहित सार्वजनिक कयल जाइत हिनकर सेहो कहब रहल अछि। सप्तरीकी रूपली गाउँपालिकाकै तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द कुमार चौधरी सहित 4 गोटे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कयल गेल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निशुल्क सेनेटरी पैड वितरणके बजेटमे अनियमितताके आरोपले तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द कुमार चौधरी लेखा अधिकृत श्याम सुन्दर यादव माध्यमिक त शिक्षक श्याम प्रसाद यादव नायब सुभाष सुजन दाहाल विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमे भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। प्रभुसार नेतृत्वकै आम जनता पार्टीक 23 गोटे नेता कार्यकर्ताकै प्रहरी जनकपुरसँग नियन्त्रण मिल्दैन अछि। राष्ट्रिय सभाकै निर्वाचनकै लक्षित कऽ आजपा आइ वधिस बन्दकै आह्वान केने छल। एहि क्रममे जनकपुर धाम बन्द करबैकै मिटल 23 गोटेकै रमानन्द चौकसँ नियन्त्रण मिल्दैन गेल। धिंसाकै सरी प्रवक्ता DSP रञ्जन आवरे जानकारी देलनि। DSP आवाजके अनुसार हिनका सबकै जनकपुरकै रमानन्द चौकसँ नियन्त्रण मिल्नको जिल्ला प्रहरी कार्यालयकै हिरासतमे प्राप्त गेल अछि। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनकै लक्षित कऽ आजफा आइब मधेस बन्द आह्वान केने छ। बैंकसँग लैत आयल मनोमानी ब्याज फिर्ता लघुवित्त आ सहकारी स्तर लेल गेल कर्जा माफी गर आ सर्वसाधारणकै सहज कर्जा प्रवाह परपर लगायतकै माग रखैत आजपा आइ एक दिन मधेस बन्द घोषणा केने छ। यद्यपि आजपाकै बन्दकै आंशिक प्रभाव मात्र देखल गेल अछि। सरकार बालकुमारी घटनामे मारल गेल 2 गोटे युवकके परिवारले 10-10 लाख रुपियाँ राहत देलक अछि। मन्त्री परिषदकै पुस 14 गतेके निर्णय अनुसार दोलेके सुजन राउत आ अछामके वीरेन्द्र साहके परिवारके 10-10 लाख रुपियाँ प्रदान कयल गेल अछि। सरकार गत पुसमे 1,17,00,000 रुपियाँ सहायता वितरण केने छ। पुस 13 दिन रोजगार अनुमति प्रणाली
ईपीएस परीक्षा संबंधी विवाद में भेल प्रदर्शन के क्रम में प्रहरी के बल पर जुट से ई दुनू गोटे युवक के मृत्यु भेल सर। वह घटना में भौतिक योजना तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वाला के गाड़ी समेत जरायल गया सर। घटना के बाद सरकार मृतक के परिवार के 10 लाख रुपया राहत देव निर्णय कर सर। साठ किलो सोन तस्करी प्रकरण में थुनल में रहल 12 गोटे के धरोटी में छोड़ा अदालत अस्वीकार कलक। उच्च अदालत पाटन काल्हिखन बेल्जियम के नागरिक दवा छेरिंग सहित 12 गोटे के थुना में रह कर मुदा के पूर्व पक्ष कर पर आदेश दिलक। दवा सहित टासी छेरिंग से कुमार सराफ, हर्क राज राय, दिलीप भुजेल, राम कुमार भुजेल, राजेंद्र कुमार राय, सुमन खरेन, किशोर वसलेत, सरोज श्रेष्ठ, कुमार ढकाल आ संतोष चंद्र के काठमांडू जिला अदालत के आदेश सदर करते थुना में राख आदेश देल गेल। थुना मुक्त क देवने निवेदन देने 6 गोटे संग अदालत धरोटी मांग के लिए कृष्ण कुमार श्रेष्ठ आ पुष्कर राज भट्ट के अदालत जन भी 1 लाख रुपया धरोटी मांग के लक। अना गणेश प्रसाद पौडेल आ वीरेंद्र नेपाली संजन की 5 लाख रुपया तथा सुदर्शन गौतम आ यादव फराजोगी सन जन भी 2 लाख रुपया धरोटी मांग कैल गल। प्रधानमंत्री कप राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश गंडकी प्रदेश के पराजित कलक। टीम क्रिकेट मैदान में बृहस्पति दिन भेल खेल में मध्य गंडकी के 145 रन से पराजित कैनी है। जिसके लिए 336 रन के विशाल लक्ष्य पर छवैत गंडकी 39.5 ओवर खेलत 190 रन में समेटल सन। ऐसे पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग केने मध्य निर्धारित 50 ओवर खेलत 5 विकेट के क्षति में 335 रन बनौले सन। मध्य के लिए अनिल शाह 124 रन के शतकीय पारी खेल तो अना मूल पानी मैदान में भेल खेल में बागमती प्रदेश सुदूर पश्चिम प्रदेश के 57 रन से पराजित कैली है। जिसके लिए 248 रन के लक्ष्य पछेने सुदूर पश्चिम प्रदेश 30.3 ओवर खेलत 150 रन में खल आउट खेल सन। ऐसे पहले टॉस हार के पहले बैटिंग के बागमती 50 ओवर में 9 विकेट के क्षति पर 247 रन बनौलन तो अना भैरावा रंगशाला में भेल खेल में एपीएफ लुंगी प्रदेश ऊपर 7 विकेट के जीत दर्ता कलक। जीत के लिए 133 रन के लक्ष्य पछेने एपीएफ 22.3 ओवर में 3 विकेट के क्षति पर 135 रन बनबित जीत दर्ता कैली। एपीएफ के कप्तान रोहित पौडेल 52 रन के योगदान देने तो ऐसे पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग केने लुंगी 41 ओवर में 133 रन बनबित ऑल आउट भेल सन। संगे रुक्मिणी के लिए दिलशाद अली सर्वाधिक 39 रन के योगदान देलन। एपीएफ के लिए रमेश कुर्मी 5 विकेट लेने सलैत। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आज 40 रुपया से घटल। 4 दिन से घटफट नहीं भेलों पर सोन के दाम आय घट के तोला के 1,18,000 रुपया में कारोबार कैल। काल्हिखन सोन के दाम तोला के 1,18,400 रुपया रहल छ। आज चांदी के दाम बढ़ल नेपाल सुन चांदी व्यवसाय महासंघ द्वारा जानकारी दल गल। चांदी के दाम आज 20 रुपया से बढ़ के तोला के 1,400 रुपया में कारोबार कर रहा है। टुडे समाचार अखन के लिए इतवा पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित के भेटा करब। सखन के लिए हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।